आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं बेबी स्वेटर कह लो, बेबी बाबा सूट कह लो, जो टोपी और बूट दोनों के साथ बनाना है, ये मैंने तीन कलर में बनाया है। नीचे से थोड़ा मैंने डिज़ाइन डाला सेंटर में और एक साइड मैंने बना ली है। चलो आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाना है ये वाला। ये मैंने 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे डाल के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने सिलाइयाँ बॉर्डर की डाली हैं। ऊपर मैंने सीधा पुठा, सीधा और उल्टा बुना मैंने, और अब मैंने ये वाली डिज़ाइन आपको ये पाना सिखाती हूँ। इतना मैंने बुन लिया है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में डिज़ाइन डाल सकते हो, आप चाहे तो बीच बीच में डाल, तो मैंने बस सेंटर में डाला इतना ही बस। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। उल्टे तरफ से बनता है, ये देखो ऐसे करके, सॉरी, तीन फंदे पहले उल्टे बुनने, फिर ऐसे ऐसे कर लेना, फिर तीन फंदे, 1 2 और 3, फिर ऐसे 1 2 और 3, फिर ऐसे बल दे दिया, 1 2 और 3, फिर ऐसे बल दे दिया, 1 2 और 3, फिर बल दिया, 1 2 और 3, फिर बल दिया, 1 2 3, फिर बल दिया, 1 2 और 3, फिर बल दे दिया, 1 2 और 3, फिर बल दिया, 1 2 और 3, फिर बल दिया, 1 2 और 3, फिर बल, 1 2 और 3, फिर बल, 1 2 और 3, 4 ही आ जाएंगे। सिलाई दूसरी सीधी सिलाई में आ गया आप, 1 2 और 3, 4 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा आगे, ये वाला फंदा जो अपने बल दिया था इसको हमने ऐसे फेंक देना, ये वाला फंदा उतार लेना। अब धागा आगे किया कि हमने 1 2, ये जो हमने फंदा उतारा था ना उसे उसके ऊपर ऐसे उल्टा देना, फिर धागा आगे, ये बल वाला हमने ऐसे फेंक देना नीचे, एक फंदा उतार लिया ऐसे, 1 2, ये वाला हमने इसके ऊपर से ऐसे, ये धागा आगे ये उतार दिया, ये इस सिलाई में कर लिया, 1 और 2, फिर धागा आगे ये फंदा उतार दिया, ये सिलाई में कर लिया, 1 और 2, जो उतारा है फंदा इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना, फिर धागा आगे, एक एक जाली भी साथ में पड़ रही है, ये धागा गिरा दिया, ये फंदा उतार लिया, ये जाली बढ़ गई, 1 2, धागा आगे, दो सिलाइयाँ की ये डिज़ाइन है।
फिर धागा आगे जो फंदा उतार दिया, गिरा दिया नीचे, इसको इस सिलाई में कर लिया, दो फंदे सीधे जो धागा इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, फिर धागा आगे जो फंदा उतार दिया, ये सिलाई में कर लिया, उतारा है फंदा इसके ऊपर, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। बस दो सिलाइयाँ की यही, अब उल्टी डाल लेंगे इस बार, एक हम सीधी डाल लेंगे, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई में फिर हम ये डिज़ाइन डाल लेंगे, ये पूरी उल्टी डाल लेंगे, फिर सीधी डाल लेंगे, फिर डिज़ाइन डाल लेंगे, ये उल्टी सिलाई में ही डिज़ाइन डलता है। अब उल्टी डाल रही हूँ, एक सीधी डाल लेना, फिर उस तो बाद अगला फिर डिज़ाइन बनाना, फिर आपको बताती हूँ। ये देखो, एक दो तीन चार, मैंने पांच बनाई है, चार मैंने बना ली है, अब फिर एक बार आपको बता देती हूँ कैसे बनाना। तीन धागा ऐसे, एक दो और तीन, फिर धागा ऐसे कर लेना, एक दो और तीन, धागे को बल देना ऐसे ऐसे बल, एक दो और तीन, फिर धागे को ऐसे बल दे दिया, एक दो और तीन, फिर धागे को बल दिया, एक दो और तीन, फिर ऐसे बल दिया, एक दो और तीन, फिर बल, 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 एक दो तीन, फिर बल दे दिया, एक दो और तीन, फिर बल, दो सिलाइयाँ की है सिर्फ, बच्चे के तो बहुत अच्छी लगती है डाली हुई, बड़ों के भी अच्छी लगती है। धागा आगे, जो हमने फंदा बल दिया था ना उसको हमने नीचे गिरा देना है, ऐसे एक फंदा उतार लिया, दो फंदे सीधे बुन लिए, उतारा फंदा इसके ऊपर से ऐसे, फिर धागा आगे ये फंदा उतार दिया, ये इधर लिया सिलाई में, दो फंदे सीधे, जाली भी साथ साथ में पड़ती है, फिर देखो ये धागा आगे ये फंदा उतार दिया, ये इधर उतार लिया, दो फंदे बुन लिए, तीसरा फंदा इसके ऊपर ऐसे, ये धागा आगे ये फंदा उतार दिया, एक सिंपल उतार लिया, दो सीधे बुन लिए ये इसके ऊपर ऐसे, फिर धागा आगे ये उतार दिया, ये इसके सिलाई को इधर कर लिया, दो सीधे, उतारा फंदा इसके ऊपर, फिर धागा ये फंदा उतार दिया, ऐसे पूरी रो ख़त्म कर लेनी, बस उल्टी सिलाई सिंपल सी उल्टी है, एक सिलाई सीधी बुननी है, फिर दूसरी उल्टी सिलाई में, फिर ये उल्टी पास से ही शुरू होती है,
उल्टी सिलाई से बुंदी शुरू होती है। उल्टी पूरी उल्टी आ जाएगी, फिर सिंपल उल्टी, फिर एक सीधी डालनी है और फिर डिज़ाइन डालना। आप ऊपर मैंने सीधा और उल्टा ही बुना है, ये देखो इतना मैंने सीधा उल्टा बुना है। इतना बुन के फिर आपको मैं आगे जो डिज़ाइन बनाना जो दोनों तरफ पाना सिखाऊंगी। इतना हो गया मेरा। अब हमने ये वाले कलर डालना है, ब्लू वाला। ब्लू के दोनों पासे दो दो फंदे हमने ब्लू बुनने, पहले दो दो बुनेंगे फिर तीन तीन बुनेंगे, और दोनों तरफ धागा लगाना पड़ेगा आपको। दो ब्लू बुन ले, बाकी येलो ही बुनने हैं। इधर भी दो ब्लू बुनने, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सीधी सिलाई में फिर एक हमने फंदा और बढ़ा लाना। अब दो बुने हैं, फिर नीले तीन हो जाएंगे। उल्टी पूरी सिंपल उल्टी, ऐसे करके पूरा उल्टा बुन लो। फिर तीन 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 बिलो कर लेना, तीन फंदे, एक एक फंदा बढ़ाते जाना। उल्टी सिलाई पूरी डाल के सीधी सिलाई में फिर एक सीधा, एक तीन हो जाएंगे। इतना करो, फिर आपको आगे बताता हूँ। जब मैंने चार सिलाइयाँ नीले की चढ़ा ली, अब वाइट, वाइट के चार फंदे, इस पहले दो फंदे सीधे नीले फिर तीन हुए, अब चार वाइट हो गए। दोनों तरफ से चार चार फंदे, एक ही धागा दोनों तरफ लगाना पड़ता है ये वाला, नहीं तो बहुत धागा बीच में आना औखा हो जाएगा। एक एक फंदा बढ़ाते जाना।
उल्टी स्लाइस उल्टी। सीधी सिलाई में फिर एक एक फंदा बना लेना, पहले दो थे फिर तीन हुए, अब चार हुए, पांच हो जाएंगे, पांच तक कर लो फिर आपको बताती हूँ। अब चार सिलाइयाँ मैंने वाइट चढ़ा ली, अब ब्लू वाली, एक दो तीन चार पांच और छः। अब छः कर लिया, फिर सात करने हैं, सात करके चार चार सिलाइयाँ चढ़ानी हैं बस, चार पहले ब्लू सी है फिर चार वाइट, अब चार जो हो जाएंगे, एक एक फंदा आपने आगे आगे बढ़ाते जाना। अब पहले पांच चार दो थे फिर तीन हुए फिर चार हुए पांच हुए, अब छः होएंगे फिर सात होएंगे, सात कर लो फिर आगे बताती हूँ। पहले दो की है फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छः फिर सात फिर आठ फिर नौ फिर दस और फिर ग्यारह। ये देखो ग्यारह, अब जोड़ो ग्यारह फंदे हो गए दोनों तरफ, चार सिलाइयाँ ब्लू फिर चार वाइट फिर चार ब्लू फिर चार वाइट फिर चार ब्लू। अब हमने बटन आर्म होल की फंदे कटाने हैं, देखो दो का एक कर लिया, फिर फंदे को इस तरफ, फिर दो का एक, यह मुंडे की कटाई तो पा दी पर लेकिन यहां से फंदा हमने बढ़ाना ही है, फंदा बढ़ा दिया। दोनों तरफ से उल्टी पूरी उल्टी, उल्टी सिलाई जब आएगी तब भी हमने ये फंदा एक दो का एक करना, ये आर्म होल की ही कटाई पै रही है। अब हमने इधर डाली ना, दूसरी तरफ डालना तो इधर डालनी है, इधर अब फिर हमने एक फंदा फिर ऐसे कर लिया, फिर दो का एक, एक दो तीन चार पांच फंदे हमारे, अब हमने सिंपल ही ऐसे कुंडे बढ़ाते जाना सेंटर में हमारे, फिर देखेंगे कि सात जोड़ सात फंदे रह जाएंगे, तब तक बनाते जाओ। ये देखो ये मेरे सेंटर में सात फंदे आ गए हैं, ये बटन मुंडे कटिंग कटाई पाई हमने। अब हमने थोड़ा सीधा ऐसे इतना सा बुनना है, आपको मैं दिखा दूँ,
पहले मैंने 20 सेंटीमीटर रख के फिर ब्लू कलर लगाया। अब हमने इतना सा 5 सेंटीमीटर हमने इतना बुनना है, फिर इसके बाद मुंडे की गले की कटाई पाएंगे ये वाली। इतना हम बुन लें फिर आपको आगे बताते हैं कैसे करना है। ये 7 फंदे रह जाएंगे। अब सिंपल आपको इधर से नहीं बढ़ाना, इधर से नहीं बढ़ाना, सिंपल आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 तक आप ऐसे बुन लो। फिर उसके बाद हम गले की कटाई पाएंगे। ये देखो इतना हो गया, ये अपना आर्म होल। अब हम गले की कटाई डाल लेंगे। ये देखो दो का एक ये फंदा इसमें डाल लेना, फिर दो का एक, दो फंदे हमारे हो गए। पूरी सिलाई ऐसे डाल लो, सीधी सिलाई फिर डाल के फिर एंड में फिर इसके पूरी ऐसे ही आएगी। ये देखो अब सीधी डाल के फिर दो का एक, उल्टी सिलाई फिर दो का एक, फंदा इसमें डाल लिया फिर दो का एक, फिर पूरी उल्टी, सीधी सिलाई में एक एक हमने कटाना फंदा और उल्टी सिलाई में दो कटाने। जब तक 4 फंदे हमारे चाहिए हमें, यहाँ 4 फंदे तक हम गले की कटाई पाते जाएंगे। सीधी तरफ से एक कटाना, उल्टी तरफ से दो, और फिर सीधी तरफ से दो का एक, उल्टी तरफ से दो का एक, फंदा इसमें डाल लिया फिर दो का एक। दोनों तरफ से गले की हम कटाई डालेंगे। ये देखो मेरे 4 फंदे रह गए, पूरे मैंने फंदे कटा दिए। ये देखो अब हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह करनी है हमने। ये हमारी कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये एक सिलाई हमने सीधी 14 हो गया पूरियाँ। इधर हमने गला कटाया, दूसरी तरफ बुनोगे तो आप इधर से गला कटाओगे। ये देखो मुंडा इधर और गला इधर, ये हमारे दोनों वाले आगे वाले बन गए। ये देखो
जो दोनों आगे वाले बन गए, अब पीछे वाला हम शुरू करेंगे, फिर आपको मैं बताती हूँ जब पूरा करके। ये देखो मैंने पीछे वाला पासा भी शुरू किया, इसके मैंने 83 फंदे डाले हैं और मैंने उसके बराबर का पूरा करके इतना पूरा कर लिया। सेंटर में मैंने इधर 28 फंदे रखे, इधर 10, फिर 28, फिर 7 और फिर 28 और फिर 10। दूसरी सिलाई में फिर मैंने इधर कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और फिर मैंने 15 और फिर 23 और फिर 11। अब हमने मोंडे की हमने कटाई डालनी है, 2 का 1, फिर इधर फंदा कर लिया, फिर 2 का 1, बाकी सीधे। जे मैंने उंधी फंदे बुन लिए, अब जे वाले भी हमारे यहाँ वाइट लगाना है। 19 ये वाले कर लिए, 3 फंदे इधर बढ़ा लिए, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इधर भी हमने करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19। सिद्धर कर लेने इधर कितने बढ़ाना है, इधर 15 इधर भी हमने 2 का 1 फंदा इधर कर लिया, फिर 2 का 1, पूरी उल्टी उल्टी डाल देंगे, पूरी सिलाई उल्टी। ये लास्ट में 2 फंदे जो है ना, उनको 2 का भी 1 कर देना सीधी सिलाई, फिर 2 का 1, फंदा इधर, फिर 2 का 1,
इधर इधर फंदा एक बढ़ा ही जाना है। ये फंदे हमने वापस 12 फंदे करने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, ये तीन फंदे हमने फिर आगे बढ़ा लेने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस और सताईस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, तेरह, तेरह, चौदह और पंद्रह। एक फंदा था हमने जहाँ इधर करना था। यहाँ फिर दो का एक कर देना। इधर फिर दो का एक वापस फंदा, फिर दो का एक। अब हमारी कटाई पूरी हो गई है। आप एक फंदा इधर से बढ़ाते जाना, हमने सीधी तरफ से उल्टी पूरी सिलाई उल्टी पूरी उल्टी डाल लो, फिर आगे देखाती हूँ। अब हमने पहले तीन, पहले हमने सात किए थे, फिर पंद्रह किए, फिर तीन तीन किए, अब दो करने हैं। दो दो फंदे, दो इधर से बढ़ा लिए, दो इधर से, ये पूरे बारह करने ये वाले, और ये सात करने पीले, बाकी इधर जल जाएंगे सारे। दो इधर बढ़ा लिए, दो इधर बढ़ा देने। और दो बाकी फिर येलो, एक सिलाई में दो और हो जाएंगे, फिर सेंटर में आने बंद हो जाएंगे, फिर बस इस साइड वाले बदाने हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल लो, फिर आगे। ये देखो, पहले हमने सात किए सेंटर में, फिर पंद्रह किए, फिर इक्कीस किए, इक्की के बाद फिर हमने इक्की, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सताईस, सताईस किए। अब हमारे फिर दो बनाए बनाए सताईस,
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 फिर अब आ जाएंगे हमारे 31 32 33 34 35 जोड़, 35 सेंटर में ले आने हैं, 35 सेंटर में आने चाहिए और 7 इधर, 35 सेंटर में, 7 ये पीले वाले और 12 ये इधर, इतना करके जितना आपका फिर मुंडा है ना दूसरा आगे वाला हमने पासा बनाया था उतना बुना लो, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। बस इतना ही करना है जितना मतलब कि आगे वाला हमारा पासा हो जाए। 12 ये रखने हैं, 7 ये रखने हैं और ये रखने हैं। एक बार बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 सेंटर में रखने हैं, 35 सेंटर में, 7 पीले और 12 ये वाले। इतना करके जितना आपका आगे वाला पासा हमने बनाया था उतना पूरा कर लो, फिर उसके आगे आपको मैं बताऊंगी। ये देखो पीछे वाला हमारा इतना तैयार हो गया। अब हमने गले की यहाँ डालनी, कटाई डालनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे 9 डिज़ाइन बनने के बाद 10वें डिज़ाइन पे जे हमने उनकी कटाई डालनी है। इधर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 12 फंदे, फिर 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर लिए। अब 13 फंदे हमने बीच में से बंद करने हैं। दो का एक, फिर फंदा इधर कर लिया, फिर दो का एक, फिर दो का एक, 13 फंदे हमने ऐसे बंद कर देने हैं। फिर इधर कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और 11 फंदे हो गए ये वाले भी। पूरी सीधी डाल के फिर हमने उल्टी डालनी है,
अब उल्टी, उल्टी सिलाई में लास्ट में सीधी सिलाई, फिर दो का एक फंदा इधर, फिर दो का एक फंदा इधर, फिर दो का एक, पूरी सीधी और फिर उल्टी में फिर एक फंदा हमने पूरी सीधी डाल के फिर पूरी उल्टी डाल। दो का एक फिर दो का एक फंदा इधर, फिर दो का एक, दो फंदे हमने फिर कम कर दिए। सीधी सिलाई पूरी सीधी, बाकी दी उल्टी पूरी उल्टी। दो का एक हमारे गले की पूरी कटाई डाल गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, बाईस फंदे हमने ऊपर रख लिए और ये हमारा ऐसे पूरा ख़त्म हो गया ये वाला। और दूसरी तरफ से भी इतना ही करना है, इधर वाले साइड में भी। ये हमारी पूरी हो गई, एक सिलाई और डाल लूँगी बस उल्टी। फिर इधर वाला भी जैसे हमने इधर कटाई डाली थी ना, तीन दो एक करके ऐसे आगे आगे करके ये भी कर लेना पूरी। ये पूरी करने के बाद मैं आगे बताती हूँ फिर क्या करना है। ये पूरी कर लो, ये देखो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलहवीं जो लगाई मैंने वो वाइट थोड़ी सी मैंने बुनी है, दो सिलाइयाँ ही डाल ली है। अब हम इसको तीरा जोड़ देंगे। ये हमारे फंदे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, बाई बाई दोनों तरफ ये है। अब हम ये हमारा आगे वाले पास से भी है। अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखो
पहले दोनों फंदों दोनों सिलाइयों में हमने एक फंदे कर लेना, उल्टी सिलाई हमने। जो दोनों फंदों को हमने एक एक करते जाना पहले। स्वेटर बनाने से पहले पूरी वीडियो आप एंड तक देख के आपने फिर स्टार्ट करना। ऐसे पूरी हमने सिलाई कर लेनी है। ऐसे पूरी कर लेनी। ये देखो, ये हमारा पूरा ऐसा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम बंद कर देंगे। दो का एक फिर सिलाई में डाल लो, फिर दो का एक फिर सिलाई में डाल लो। दो का एक कर करके हमने पूरा इसको बंद कर देना। ये देखो, ऐसे पूरा बंद कर दो। ये हमारा पूरा बंद हो गया एक साइड। इसी तरह हम दूसरी भी कर देंगे। उसके बाद हम गले के फंदे फिर उठाएंगे। ये पूरा इधर वाला भी बंद कर लो ऐसे, फिर हम अगले गले के फंदे उठाएंगे। जैसे ये किया वैसे ही वो कर लो। ये वाला भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखो, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम गले के फंदे उठाएंगे यहाँ से।
80 फंदे हम ऐसे करके पूरे 80 फंदे हम उठा लेंगे। फिर सीधे उल्टे के बॉर्डर बुन के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे सब फंदे 80 फंदे आपने उठाने हैं ऐसे पूरे राउंड से, पूरे 80 फंदे आपने ऐसे उठा लेना। फिर उसके आगे एक सीधा एक उल्टा हमने बॉर्डर बुन लेना गले का। ये मैंने गले का बॉर्डर पूरा हो गया, अब हमें इसको बंद करेंगे। बंद कैसे करना, सारे फंदे हमने एस सिलाई में डाल लेने पूरे के पूरे। पूरे सिलाई फंदे इस सिलाई में डाल लेने उल्टी तरफ से, उल्टी सिलाई में डाल लें उल्टा धागा ऐसे पूरे डाल लो। ये पूरे फंदे मैंने इस सिलाई में कर लिए। अब क्या करना, ऐसे बंद कर देने। बुनने नहीं, वैसे ही बंद करते जाना, सीधी तरफ से करने। ऐसे पूरे हम बंद कर देंगे। पूरे ऐसे ही बंद कर देने। ये देखो, ये मैंने पूरा बिना बुने ऐसे फंदे से फंदा बंद कर दिए। अब लास्ट फंदे में भी हम इधर आ गए। अब क्या करना है, अब हमने ये पट्टी वाले फंदे उठाने हैं यहाँ से। ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ में बॉर्डर बुना है, 10 नंबर। यहाँ पट्टी के हमने जो हम बटन पट्टी बनाएंगे, दूसरी पट्टी बनाएंगे, उसके फंदे हम वहाँ से उठाएंगे बिल्कुल साथ साथ ही। इतनी हम वाइट पट्टी बुनेंगे, इतनी हम जैलो बुनेंगे। जहाँ से जैलो उठाएंगे, जैलो धागा लगा लेंगे फिर साथ में। ये पट्टी के फंदे हमने जितने जो हमारे अब हम ये नज़र आ रहे हैं ना, उतने फंदे उठा लेने। ऐसे पूरे उठा के एक
सीधा एक उल्टा हम बुन लेंगे। ऐसे पूरे उठा लेंगे और एक सीधा एक उल्टा। ये देखो ये पट्टी पूरी बना ली मैंने और बंद ऐसे करना। इस तरह पूरा बंद हो गया। देखो इसी दौरान हमने इधर से फंदे उठाने हैं। जी मैंने 86 फंदे मैंने उठाए थे। अब इधर हमने फंदे उठाने हैं और इसमें बटन होल भी हमने करने हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। ऐसे आपने जैसे ये बनाई है ना दो कलर में, ऐसी दो कलर में हम ये वाली बना लेंगे और बीच में बटन होल करने हैं, वो वहाँ मैं आके आपको बताऊंगी। इतना आप फंदे उठा के दो से तीन चार सिलाइयाँ चढ़ा ले फिर हम बताऊंगे आगे। ये देखो ये भी मैंने पट्टी बनाई है। अब हमने इसके बटन होल बनाने हैं। बटन होल बनाने के लिए पहले दो का एक धागा आगे जाली बीस पीस फंदे बुन के आप बटन होल कर लो। बाकी आप जितना जल्दी अपना जितना नेड़े नेड़े बनाना चाहते हो उतना बना लो। जितना आपने छोटे छोटे लगाने हैं तो बड़े लगाने हैं वो अपने हिसाब से आप बटन होल कर सकती हो। ये देखो दो का एक कर दिया धागा आगे बटन होल हो गया। ऐसे आप सारे अपने बटन होल कर लो। ऐसे ही आप सब बटन होल हो जाएंगे। ये हो गया। अब हम सारे फंदे इस सिलाई में डाल लेंगे। पूरे फंदे इस सिलाई में डाल लेते हैं। फंदे पूरे डाल लिए। अब हमने इसे बंद करने हैं।
ऐसे हम पूरे बंद कर देंगे। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। ये मैंने बाजू शुरू की है, मैंने नीचे फंदे डाल लिए गए 19 जोड़ और 38 फंदे, और मैंने चौथी चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाकर ये मैंने ऊपर तक ले आई हूँ। ऐसे हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना। ये देखो, ये मैंने पूरा कर लिया। जहाँ मैंने एक वो बनाकर पोम पोम और एक मैंने ये बनाया बो बनाई, और साथ में मैंने एक पोम पोम बनाए ये वाले, इसका मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ देख लेना, जहाँ बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, और यहाँ मैंने लगा दिए यहाँ पर, ये दोनों तरफ से ऐसे डिज़ाइन लगा दिए। और मैंने एक बाजू बना ली है, ये देखो, अब हम बाजू की आपको आर्म होल की कटाई पानी शुरू करते हैं। एक दो तीन चार और पांच, पहले मैंने पाँच, फिर मैंने चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक एक करके मैंने दो तीन बार हमारे 62 जो है फंदे हैं, 62 फंदों में मैंने 26 फंदे रखे, बाकी मैंने एक एक करके पहले पाँच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक एक करके मैंने घटा दिए। अपने बच्चे के हिसाब से आपकी बाजू की लंबाई रख लेना, और स्वेटर की अपने बच्चे के हिसाब से रख लेना। ये 1.5-2 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने बनाया है, 1.5-2 साल के बच्चे के से आराम से आ जाएगा। उल्टी सिलाई, पहले फंदा उतार लेती हूँ मैं, एक दो तीन चार और पांच, बाकी सारी सिलाई उल्टी। ये देखो, पहले मैंने पाँच, फिर मैंने चार, फिर मैंने तीन, फिर मैंने दो, फिर एक 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 किया तीन बार। ये देखो कितनी अच्छी शेप आई है। अपने स्वेटर के हिसाब से आप ऐसे नाप भी सकते हो।
जी मैंने बटन भी लगा दिए। जी मैंने इसका लिंक मैं डाल दूंगी बो और पोम पोम का, वो आप वहाँ से देख लेना और बना लेना। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी देना।